हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आप लोग जानते हो कि आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगी जो आपके सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि आज का पेपर होगा पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पेपर होगा आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। ये प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे गए थे तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, और किस तरीके से आपके प्रश्न पेपर में पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन आप करके आए हैं, तो ये सारी चीज़ कैलकुलेट किया जाएगा। और जिनका पेपर अभी आने वाला है उनके लिए भी ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी आज की क्लास में कि जो भी छात्र छात्राएँ का पेपर, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो वो लोग वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और अंत तक देखिए। और जो हमारे वीडियो में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एक दूसरे तक शेयर करिए दोस्त। और आपको हम बता दें कि आज की क्लास होगी सबसे महत्वपूर्ण क्लास। इसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो दोबारा आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको समझने हैं, उसका मैं अलग से वीडियो बना के आप लोग को जरूर दिया जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों चलिए चलते हैं आपके क्लास की तरफ कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो छात्र छात्राएं को समझ नहीं आता है कि BA पार्ट वन के सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और नई शिक्षा नीति के अनुसार ये पेपर हुआ है, इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। आपको टाइमिंग, टाइम मैनेजमेंट पता है कि टाइम आपका 3 घंटे का होता है, और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो आपका इसमें 75 नंबर का है। तो इस तरीके से आपका पेपर की जो शेड्यूल तैयार किया जाता है वो इस तरीके से आपका यहाँ पे दिया गया है। अब बात करेंगे आपके प्रश्न, यानी कि सेक्शन ए। ये पहली बात इसमें हम आपको बता दें कि ये जो प्रश्न पत्र आपका डिवाइड हुआ वो 3 खंडों में डिवाइड हुआ है। पहला तो आपका आता है सेक्शन ए में, और दूसरा सेक्शन बी, और तीसरा सेक्शन सी, यानी खंड आ, खंड बा और खंड सा में। आइए चलते हैं आपके पहले खंड आ यानी सेक्शन ए की तरफ। उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे आप लोग को साफ तौर से नज़र आ रहा है कि नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, यानी कि जो आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको पेपर यहाँ पे देना है। सेक्शन ए यानी खंड आ, नोट यहाँ पे दे रखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। इसमें कहा गया है आपका खंड आ से सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। यहाँ पे आपको हिंदी में भी इसी लिख दिया कि सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, और जो प्रत्येक प्रश्न का आपका आंसर दिया गया है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया है आपका। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें कि पॉलिटिकल, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको कि पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट, यानी कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। अब इसमें आप लिखेंगे कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थाओं का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन, यानी कि राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान ये तमाम बातें शामिल है, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत एवं संरचनात्मकगत ढांचा, तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन आदि। तो ये होता है आपका राजनीति विज्ञान एक राज्य का विज्ञान है। तो इस तरीके से यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि किस यहाँ पे राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य का विज्ञान है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन डिफाइन, यानी कि विधि संप्रभु का आदेश है, व्याख्या कीजिए। इसे इसमें लिखेंगे विधि, जिसे हम कहते हैं कानून, विधि कहेंगे या कानून कहेंगे, किसी नियम संहिता को कहते हैं। विधि प्रायः भली भांति लिखी हुई दिशा व निर्देश कंस्ट्रक्शन के रूप में होती है। समाज के सम्यक ढंग से चलाने के लिए विधि अत्यंत आवश्यक है।
विधि मनुष्य के आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है। पालन न करने पर न्यायपालिका दंड देती है और कानून प्रणाली की कई तरह के अधिकारों और जिम्मेदारियों को विस्तार से बताती हैं। यहीं पे बोंदा ने अपनी द सिक्स बुक्स ऑफ कॉमन बिल यानी कि 1576 ईस्वी में एक ऐसे संप्रभु के पक्ष में तर्क दिया है जो खुद कानून बनाता है पर स्वयं को उन कानून के ऊपर रखता है। इस विचार के मुताबिक कानून का अर्थ है लोगों को संप्रभु के आदेश पर चलाना। या इसका मतलब यह नहीं कि बोंदा यहाँ किसी निरंकुश शासक की वकालत करना चाहते थे। तो ये आपका होता है विधि की संप्रभु का आदेश। तो किस तरीके से ये आदेश पे चलना होता है। अब आपका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें कि राइट मेन एलिमेंट ऑफ स्टेट, राज्य के प्रमुख तत्व बताइए, यानी कि राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें आपको लिखना है राजनीति विज्ञान की धारणा के रूप में राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों को ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश में एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से होता है, जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र हो और जिसका एक ऐसा संगठित शासन हो जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय संभवतः करता है। राज्य के निम्न चार तत्व स्पष्ट होते हैं। पहला तो आपका आता है जनसंख्या हो गया। दूसरा निश्चित भूभाग। तीसरा आपका आता है संगठित सरकार और चौथा आपका आता है इसमें संप्रभुता। तो ये होते हैं आपके राज्य के प्रमुख तत्व के अंतर्गत। उसके बाद फिर आपका आता है चौथा नंबर कि लिबरल थ्योरी ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टेट, यानी राज्य के कार्य का उदारवादी सिद्धांत क्या है। अब इसमें आप लिखेंगे कि राज्य के कार्य का उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी विचारधारा एक निश्चित एवं क्रमबद्ध विचारधारा नहीं है। वास्तव में यह कोई एक दर्शन नहीं वरन अधिक विचारों का सम्मिश्रण है। यह एक जीवन दृष्टि, जीवन क्रम तथा मस्तिष्क की एक प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत अनेक मान्यताएं, आदर्श एवं समस्याएं हैं। ऐसी स्थिति में उदारवाद की व्याख्या स्वाभाविक रूप से एक कठिन कार्य हो जाता है। विभिन्न विद्वानों के विचारों से संदर्भ में भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग उदारवाद को व्यक्तिवाद का पर्यायवाची मानते हैं, परंतु जॉर्ज एच शोबाइन जैसे विद्वान दोनों में भेद मानते हैं। पहली विचारधारा के अनुसार राज्य समस्त मानवीय जीवन का केंद्र तथा अपने आप से साध्य है, परंतु दूसरी विचारधारा व्यक्ति को ही साध्य मानती है। उदारवादी दूसरी विचारधारा से संबंधित है और इसके लिए उदारवाद के लिए मूल सिद्धांत को समझना होगा और इसके उपरांत ही हम राज्य के उदारवादी कार्य क्षेत्र को समझ सकेंगे। इसमें उदारवादी के मूल सिद्धांत पहला तो मानव विवेक में विश्वास, दूसरा इतिहास एवं परंपराओं का विरोध, तीसरा आपका आता है इसमें मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास, चौथा व्यक्ति साध्य तथा समाज एवं राज्य साधन, पांचवा समाज एवं राज्य की कृत्रिम संगठन, फिर छठा आपका आता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श, उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है सामाजिक स्वतंत्रता, फिर आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, फिर आर्थिक स्वतंत्रता, उसके बाद फिर आपका जातीय एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो इस तरीके से आपका आता है राज्य के कार्य का उदारवादी सिद्धांत। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पांचवा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र में आप लिखेंगे, अब इसमें लोकतंत्र हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसमें कि लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हो है। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ये आपका आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में इसमें लोकतंत्र की परिभाषा दिया गया है
लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपनी प्रतिनिधि चुन सकते हैं तथा उसे विधायिका द्वारा सदस्य बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक धन तंत्र, यानी लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है अर्थ, अर्थ है शासन, यानी कि जनता का शासन, तो इसे हम कहते हैं लोकतंत्र। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें छठा नंबर कि गिव मेन फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, यानी संघीय सरकार के प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। हेडिंग डालेंगे आप संघीय सरकार के प्रमुख गुण। संघात्मक शासन के निम्नलिखित प्रमुख गुण हैं, इसमें पहला आपका आएगा दोस्तों, पहला लिखेंगे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भावनाओं में समन्वय। फिर दूसरा आपका आएगा इसमें लोकतंत्र के सुदृढ़ और सुरक्षा के लिए आवश्यकता। तीसरा आर्थिक कार्यकुशल शासन पद्धति। चौथा आपका आता है कि निरंकुशता को अत्यंत अल्प अवसर। फिर पांचवा आपका आएगा कि विशाल क्षेत्रों वाले देशों के लिए उपयोगी। छठा आपका आएगा कि जनता की व्यापक सहभागिता। सातवा नंबर आपका आएगा स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन। और फिर आपका आठवां नंबर आता है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार। तो ये आपका आता है उसके गुण, यानी कि संघीय सरकार के प्रमुख गुण। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद में, यानी कि आठवां नंबर फासीवाद क्या है। अब इसमें आपका आएगा फासीवाद क्या है। फासीवाद में लिखेंगे दोस्तों आप कि मुसोलिनी द्वारा इटली में शुरू की गई तानाशाही राजनीति को फासीवाद के रूप में देखा जाता है। इसे एक प्रकार से सर्व अधिकारवाद का व्यवहारिक रूप कहा जा सकता है या फासीवाद का एक व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप है। फासीवाद शब्द यानी कि फासिस्म का अर्थ है और फासिस्म शब्द इटालियन भाषा के फैसिका से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी, जिसमें लकड़ी का गट्ठर एकता का प्रतीक है और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक है। फासीवाद एक सिद्धांत के रूप में कम तथा शासन के व्यवहारिक रूप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और फासीवाद पहले व्यवहार में आया, बाद में इसने सिद्धांतों का रूप धारण किया। तत्कालीन समय की परिस्थितियों की मांग के कारण उत्पन्न और आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें अनेक विचारों को शामिल किया गया है और या इसमें फासीवाद कोई एक निश्चित सिद्धांत नहीं था। तो ये आपका होता है फासीवाद। फासीवाद का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अब इसमें आप कहेंगे लोकमत। लोकमत का मतलब होता है सामान्य भाषा में बोलें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में लोकमत से अभिप्राय जनता के मत या राय से है। लोकमत के विषय में विभिन्न विद्वानों ने दीवार प्रकट किए हैं। लॉर्ड ब्राइस ने लोकमत की परिभाषा निम्नलिखित प्रकार से की है, इसमें इन्होंने लिखा है कि समाज पर प्रभाव डालने वाले अथवा हितों से संबंधित प्रश्नों के बारे में लोगों की जो धारणाएं होती हैं इन्हीं के योग के अर्थ के सामान्यतः इस शब्द लोकमत के प्रयोग से होता है और इस दृष्टि में सभी प्रकार का भ्रांत धारणाओं और कल्पनाओं विचारों आकांक्षाओं का सम्मिश्रण है। इसी प्रकार ट्यूटर ने कहा है कि लोकमत एक प्रकार का मतैक अर्थात निर्णय है जिसे तथ्यों पर आधारित संघर्ष तथा विवेचन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। लाबेल के मतानुसार कहा गया है कि जनमत विवेक और निस्वार्थ भावना पर आधारित वह विचार जिसका उद्देश्य संपूर्ण समाज के हित में उपयुक्त किया जाता है या संक्षेप के आधार पर कहा जाता है इसे लोकमत कहा जाता है, जो जन जन कल्याण की भावना को प्रेरित कर होती है। इसे जनता के सामान्य हित होता है तथा सामान्य स्वीकृत प्राप्त होती है। तो ये आता है लोकमत। उसका फिर आपका आता है राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत को बताइए। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को बताइए। अब इसमें आपका होता है कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, इस यानी कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत को बताइए। इसमें लिखना होगा कि राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान सिद्धांत ऐतिहासिक या विकासवादी है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य विकास के द्वारा अस्तित्व में आया हुआ है।
जिस प्रकार एक मानव का विकास होता है उसी प्रकार राज्य के विकास की भी एक लंबी प्रक्रिया है। राज्य की उत्पत्ति में निम्न सहायक तत्व माने जाते हैं। पहला तो आपका आता है मूल सामाजिक प्रवृत्ति, दूसरा रक्त संबंध, तीसरा आपका आता है इसे धर्म से, चौथा शक्ति से, पांचवा आर्थिक तत्व और छठा आपका राजनीतिक चेतना। तो ये आपके आते हैं इसमें राजनीतिक सिद्धांत में, इनकी राजनीति की जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो आपका आता है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में। फिर दसवां आपका आता है सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन और सबसे अंतिम क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है लेवियाथान। व्हाट इज़ लेवियाथान? लेवियाथान होता क्या है? लेवियाथान होता है आपका दोस्तों, इसमें लेवियाथान द मैटर फॉर्म एंड पावर ऑफ ए कॉमनवेल्थ एक्सलियास्टिकल एंड सिविल, जिसे आमतौर पर लेवियाथान कहा जाता है। थॉमस हॉब्स 1588 से 1679 द्वारा लिखित 1651 ईस्वी में प्रकाशित संशोधित लैटिन संस्करण 1668 में एक पुस्तक है। इसका नाम बाइबल लेवियाथान से लिया गया है। काम समाज की संरचना पर वह सरकार से संबंधित है। इसे सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के सबसे शुरुआती और सबसे प्रभावशाली उदाहरणों में से एक माना जाता है। अंग्रेजी महायुद्ध के दौरान लिखा गया है कि पूर्ण संप्रभु द्वारा एक सामाजिक अनुबंध और शासन के लिए तर्क देता है। हॉब्स ने लिखा है कि गृह युद्ध की प्रकृति की स्थिति की क्रूर स्थिति को केवल मजबूत और अविभाज्य सरकार द्वारा ही टाला जाता है, जिसे सबसे खिलाफ सभी का युद्ध माना जाता है। तो ये आता है लेवियाथान। अब आपका ये आपका क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ सेक्शन ए का सारा, उसके बाद फिर आपका आता है सेक्शन बी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक दूसरे को ज़रूर शेयर करते रहिए। नोट अटेम्प्ट ऑन 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपका 7 नंबर का होता है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि क्रिटिकली डिस्क्राइब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी राज्य के उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक संविदा सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें। अब इसमें आपको लिखना है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत जो, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत 17वीं-18वीं शताब्दी की देन है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इस सिद्धांत के समर्थक हॉब्स, लॉक, रूसो तथा इसके समर्थकों द्वारा कहा जाता है कि राज्य के समझौते के द्वारा अस्तित्व में आया। इसमें आपको लिखना है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत का आलोचना, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अन्य सिद्धांतों के भांति सामाजिक समझौता सिद्धांत की कमियों का व्याप्त रहा। इस सिद्धांत की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। पहला तो आपका आता है इसमें हेडिंग डालेंगे इसमें, इस समझौते का कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं। इसमें लिखेंगे आप कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में यह समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके मध्य हुआ, इस बात के इतिहास में कोई परिणाम नहीं मिलता है। दूसरा आपका आता है इसमें कि सामाजिक समझौता कोरी कल्पना, आधुनिक राज्यों का निर्माण समझौते से नहीं हुआ है। इतिहास इस बात की साक्षी है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध तथा विजय का परिणाम है, किसी समझौते का नहीं। अतः इस सिद्धांत को कोरी कल्पना ही माना जा सकता है। फिर तीसरा आपका आता है इसमें सिद्धांत में विरोधाभास। एक ओर तो सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अवस्था वाले व्यक्तियों ने समझौते की योजना बनाई, जबकि उस समय कोई सामाजिक या राजनीतिक चेतना व्यक्ति में नहीं थी, लेकिन हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के निवासी अज्ञानी एवं खूनी थे। ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार की समझौता नहीं कर सकते थे। फिर चौथा आपका आता है इसमें राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध, यह सिद्धांत राष्ट्रीय भावना के विरुद्ध है। राज्य की आज्ञाओं का पालन हम समझौते के कारण नहीं बल्कि नैतिक भावना के आधार पर करते हैं। देश प्रेम की नैतिक भावना ही राज्य और व्यक्तियों के मध्य अटूट कड़ी है। फिर पांचवा आपका आता है इसमें अधिकार के संबंध में गलत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व है। यह सिद्धांत गलत
है। वास्तव में अधिकारों की अस्तित्व तभी संभव है जब समाज और राज्य द्वारा उसे मान्यता दी जाए। ग्रीन के शब्दों में कहा है कि संविदा सिद्धांत के वास्तविक दोष यह नहीं है कि वह अनैतिहासिक है, अपितु यह है कि समाज से परे अधिकारों तथा कर्तव्यों की कल्पना की गई है। फिर छठा आपका आता है इसमें अराजकता का पोषक। यदि राज्य कुछ व्यक्तियों द्वारा स्थापित या समाप्त किया जा सके तो यह सिद्धांत बहुत ही खतरनाक साबित होगा और इस सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन सिद्धांत की लोकप्रियता भी देखी जा रही है। इसका मूल सिद्धांत यही है कि राज्य निर्माण व्यक्ति से हुआ है। आज अधिकांश राज्य किसी समझौते के आधार ही अस्तित्व में आ रहे हैं। अब इसमें आप लिखेंगे दोस्तों कि आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, यानी सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसमें आएगा व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर ग्रुप, यानी राजनीतिक दल क्या है, यह दबाव समूह किस प्रकार भिन्न है, दबाव समूह से किस प्रकार भिन्न है। इसमें आपको लिखना है कि प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में जनता द्वारा प्रतिनिधियों का निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। यहीं पे माइकावर जी ने लिखा है कि बिना दलीय संगठन के किसी सिद्धांत और एक होकर प्रशासन नहीं हो सकता, किसी भी नीति का क्रमबद्ध विकास नहीं हो सकता, संसदीय चुनावों की वैज्ञानिक व्यवस्था ही हो सकता है जिसके द्वारा कोई भी दल शक्ति प्राप्त हो करता है और स्थिर रखता है। अब इसमें आप लिखेंगे कि दबाव समूह से किस प्रकार भिन्न है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के मूल्यांकन में पर्याप्त मतभेद मिलता है, कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं तो अधिकांश लोग ने इसे प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के विचारों में भिन्नता पाई जाती है। विचारों तथा स्वभाव की यह भिन्नता विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रकट हो सकती है, इसलिए राजनीतिक दलों की मानवीय प्रकृति के चिंतन नितांत अनुकूल हो सकता है। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के विचार संकीर्णता के फलस्वरूप उनमें दोष भी आ गए हैं और राजनीतिक दलों के प्रमुख भी राजनीतिक दल लोकतंत्र की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट करके लोकतंत्र के विकास में बाधक बन जाते हैं। उसके बाद में फिर दलीय व्यवस्था के अंतर्गत बहुसंख्यक द्वारा शासन कार्य अल्पसंख्यक द्वारा शासन के विरोधी दलों के रूप में कार्य किया जाता है और विरोधी दल उनकी शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हुए शासन की संतुलन को बनाए रखता है और विरोधी दल के अस्तित्व में राज्य में विद्रोह से भी रक्षा करता है, क्योंकि यदि जनता की सरकार में विरुद्ध अविश्वास फैल जाता है तो विरोधी दल दूसरे सरकार बनाने हेतु तत्पर हो जाती है। तो ये होता है कि जो दबाव होता है उसको किस तरीके से भिन्न करते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा कि डिफाइन लॉ एलिडिटेड द डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ, नहीं कानून को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न प्रकार पर प्रकाश डालिए। अब इसमें लिखेंगे आप लोग कानून में कि सभी राज्यों का लक्ष्य मानव कल्याण की उचित व्यवस्था करना होता है, परंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी की जाती है जब राज्य के नागरिकों अपने जीवन में आचरण के कुछ सामान्य नियमों का पालन करते हों। अतः राज्य में अपने नागरिकों के जीवन के संचालन हेतु नियमों का निर्माण करते हैं जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। यदि नागरिक राज्य के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो वे दंड के भागीदार होते हैं। इसी प्रकार राज्य द्वारा निर्मित और लागू किए जाने वाले नियमों को ही कानून कहते हैं। कानून अंग्रेजी भाषा के ला शब्द का पर्यायवाची है जो जर्मन भाषा के लैग
लैग धातु से बना है जिसका अर्थ स्थिर और सर्वत्र समान होता है। इस प्रकार कानून से उस धातु का बोध होता है जो स्थिर और समान हो। कानून अस्थाई होते हैं और सभी नागरिकों के समान रूप से लागू होते हैं। राज्य कानून का विकास और परिणाम होता है। इसके निम्न प्रकार हैं। पहला तो आपका आता है इसमें रीति रिवाज, दूसरा आता है इसमें धर्म, तीसरा न्यायिक निर्णय होता है, चौथा आपका आता है इसमें कानून यानी कि कानूनी टीकाएं, उसके फिर आपका आता है फिर पांचवा आपका आता है इसमें व्यवहारिक एवं स्वाभाविक न्याय, छठा आता है आपका विधायन। इसमें लिखना लिखा है कि यह कहा जाता है कि कानून निर्माण के विभिन्न स्रोत इन्हीं स्रोतों के आधार पर अस्तित्व में आते हैं और राज द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखते हैं इन कानून को लागू किया जाता है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अब इसमें आप लिखेंगे एवल्यूट द व्यूज ऑफ जॉन ऑस्टिन ऑन सॉवरनिटी संप्रभुता पर जॉन ऑस्टिन के विचारों का मूल्यांकन करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका ये है और सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है ये आपका पेपर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि संप्रभुता पर जॉन ऑस्टिन के विचारों पर प्रकाश डालिए। अब इसमें आप लिखेंगे कि जॉन ऑस्टिन ने आंसर इसमें लिखेंगे जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा है कि यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी के आदेश को पालन करने के लिए अभ्यस्त ना हो और किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता हो तो उस समाज में वह उच्च सत्ता अधिकारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। इस प्रकार संप्रभुता पर दी गई उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संप्रभुधारी व्यक्ति सर्वोच्च होता है और उसके आदेश ही कानून है। संप्रभुता के दो रूप होते हैं, पहला तो आपका आता है इसमें आंतरिक और दूसरा आता है बाह्य संप्रभुता। जब राज्य आंतरिक एवं बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है तो यह कहा जाता है कि राज्य प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न राज्य की इच्छा यह निर्भर करता है कि वह किस दूसरे राज्य से किस प्रकार संबंध चाहता है। तो ये ऑस्टिन के अनुसार कहा गया है। इन्होंने फिर कहा है कि संप्रभु संपन्न व्यक्ति सर्वोच्च एवं निरंकुश होता है एवं किसी शक्ति की होती है जिस पर किसी अन्य शक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। यह शक्ति आंतरिक तथा बाह्य मामले में स्वतंत्र होती है और इस पर किसी बंधन नहीं होता है। संप्रभु अपने व्यक्ति शक्तियों का प्रयोग स्वेच्छा से करता है। इस प्रकार निरंकुशता का जो संप्रभुता का महत्वपूर्ण लक्षण मानता है इसकी शक्तियाँ असीमित होती हैं। तो ये होता है आपका संप्रभुता पर जॉन ऑस्टिन के विचारों पर मूल्यांकन। फिर छठा क्वेश्चन आपका आता है अध्यक्षात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अब इसमें आप लिखेंगे अध्यक्षात्मक शासन, इसमें लिखेंगे जिनमें कार्यपालिका और विधायिका अपनी अवधि अपनी शक्तियों और कार्यों के संबंध में एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक रहती हैं। इस शासन व्यवस्था में राज्य की प्रधान एक राष्ट्रपति होता है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। वह कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है तथा संविधान द्वारा निर्धारित शक्तियों का उपयोग करता है। इस कार्यपालिका शक्ति विभाजित नहीं होती है। वह ना विधानमंडल का भाग होता है और ना उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वह अपनी सहायता के लिए मंत्रिमंडल का निर्माण करता है जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो उनके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहते हैं और राष्ट्रपति को समय से पूर्व केवल महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अध्यक्षात्मक शासक की निम्न मुख्य विशेषताएं हैं, पहला तो आप कहता है इसमें कार्यपालिका विभक्त नहीं होती है, राज्य का अध्यक्ष ही सरकार का अध्यक्ष होता है। फिर दूसरा आप कहता है इसमें कि कार्यपालिका के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। फिर तीसरा आपका आता है इसमें कि कार्यपालिका संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
चौथा आपका आता है इसमें कि राष्ट्रपति ही एकमात्र कार्यपालिका होती है, जो राष्ट्रपति है वो एकमात्र कार्यपालिका मानी जाती है। फिर पांचवा आपका आता है इसमें कि राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता है। तो ये होते हैं इसके प्रमुख विशेषताएँ। उसके बाद फिर सातवां क्वेश्चन आपका आता है कि डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। अब इसमें लिखेंगे न्याय। न्याय राज्य का सर्वप्रमुख दायित्व है, इसका अभाव से राज्य और समाज में अराजकता फैल जाएगी। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में लिखा है कि राज्य तीन वर्ग, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग पाए जाते हैं। ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें और दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, वही न्याय है। न्याय की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए अगस्टाइन ने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। इसमें आपका होगा न्याय की अवधारणा। हेडिंग डालेंगे आप लोग न्याय की अवधारणा। इसमें लिखेंगे पहला आपका कि न्यायपालिका और कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापन में स्वतंत्र रखा जाए। निष्पक्ष न्याय के लिए यह आवश्यक है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र रखा जाए। जिन देशों में ऐसा नहीं है वह निष्पक्ष न्याय की आशा करना व्यर्थ है। दूसरा आपका आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों का निर्वाचन नहीं होना चाहिए, उनकी नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा किया जाना होना आवश्यक है। न्यायाधीशों की राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। तीसरा आपका आता है कि न्यायाधीशों की उच्च योग्यताएं। अच्छा न्याय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीश उच्च योग्यता वाले होने चाहिए। योग्य व्यक्ति ही निष्पक्ष और सफल हो सकते हैं। विशेष योग्यता रखने वाले कानून के ज्ञाता ही न्यायाधीश के पद पर योग्य माने जाने चाहिए। समानता की भावना। न्याय और उद्देश्य सभी के समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। छोटे बड़े एवं अमीर गरीब में न्याय की समानता होनी चाहिए। फिर आप आता है आपका कि कानूनी न्याय प्राप्त करने के साधन। लास्की ने अपनी पुस्तक में राजनीति के मूल तत्व में कानूनी न्याय को प्राप्त करने के लिए साधन बतलाए हैं। तो ये होता है इसके आलोचनाएं। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑन द फेडरल गवर्नमेंट, संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें आप लिखेंगे संघात्मक शासन में कि सारे देश की सरकार का अपना ही अधिकार क्षेत्र होता है और यह देश संगठक अंगों की सरकारें के किसी प्रकार के नियंत्रण के बिना अपने अधिकार का उपयोग करती हैं और इनके अंगों की सरकारें भी अपने स्थान पर अपनी शक्तियों का उपयोग केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के बिना ही करती हैं। इसमें आप देखेंगे संघात्मक शासन के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आएगा इसमें संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा आपका आता है इसमें संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन। तीसरा लिखित और कठोर संविधान। चौथा आपका आएगा इसमें स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय। पांचवा आता है आपका द्विसदनीय व्यवस्थापिका। छठा आपका आता है इसमें दोहरी शासन प्रणाली। अब इसमें लिखेंगे आप हेडिंग डाली संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन की एक विशेषता यह है कि शासन प्रणाली में संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र और राज्यों का अस्तित्व, उनके अधिकारों का वर्णन, प्रशासनिक शक्तियों का बंटवार सभी कुछ संविधान में होता है। इसलिए भविष्य में यदि संघ और राज्यों के बीच गलतफहमी हो जाए, किसी प्रश्न पर तनाव हो जाए, तो दोनों ही संविधान लिखित व्यवस्थाओं में अपनी स्थिति को देख सकते हैं। फिर आता है लिखित संविधान। संघात्मक शासन में लिखित संविधान अनिवार्यता है क्योंकि संघ समझौते का परिणाम, अतः समझौते का लिखित होना आवश्यक है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और केंद्र राज्यों का सरकार का संगठन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आदि का विवरण रहता है। उसके भी शक्तियों का विभाजन आता है। संघीय शासन
प्रणाली की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है और कुछ शक्तियां केंद्र को व कुछ शक्तियां राज्य को सौंप दी जाती है। फिर आता है दोहरा शासन। संघात्मक शासन की एक विशेषता है यह है कि इसमें दोहरी शासन व्यवस्था होती है, एक केंद्रीय सरकार होती है और दूसरा होता है आपका राज्य सरकार। ये इकाइयां सरकार होती है जो राज्य की सरकार के नाम से जानी जाती है। इन दोनों सरकार के अलग अलग कानून होते हैं। इसके अतिरिक्त दोहरी राजनीतिक व्यवस्था होती है और इसमें दोहरी नागरिकता या दोहरी चुनाव व्यवस्था और दोहरी प्रकार की सेवाएं होती हैं। फिर आपका स्वतंत्र न्यायालय। एक स्वतंत्र न्यायालय जो संविधान की व्याख्या करता है और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकारों के बीच पैदा झगड़ा या दो राज्यों के बीच पैदा झगड़ों का निर्णय करता है। उसके बाद फिर आपका धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को समझाइए। नौवां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यह भी आपका है। इसमें लिखेंगे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या गैर किसी धार्मिक मामले में धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव ना करे। भारतीय परिप्रेक्ष्य संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी जो संविधान के भाग तीन में वर्णित मौलिक अधिकारों से धार्मिक स्वतंत्रता के आधार अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 से स्पष्ट है। भारत में हमेशा धर्मनिरपेक्षता की मुद्दा सार्वजनिक वाद विवाद और परिचर्चाओं में मौजूद रही हैं। एक तरफ जहां हर राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्ष होने की घोषणा करता है, वहीं धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कुछ पेचीदा मामले हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं जो समय समय पर अनेक प्रकार की चिंताओं के साथ धर्मनिरपेक्षता के उत्पन्न में रहते हैं। अब इसमें हम आपको बता दें कि जो इसकी प्रमुख अवधारणा है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण पहला तो आपका आता है इसमें। उसके में दूसरा आता है धर्मनिरपेक्षता का सकारात्मक पक्ष। तीसरा आपका धर्मनिरपेक्षता का नकारात्मक पक्ष। फिर चौथा आपका कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता तथा पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के अंतर के बीच अंतर। फिर आपका नेक्स्ट आता है छठा नंबर कि धर्मनिरपेक्षता के समक्ष चुनौतियाँ, उसके में समाधान। तो ये होते हैं इसके अवधारणाएं। इसमें मुख्य अवधारणाएं इसी प्रकार से आपको प्रदर्शित की गई हैं। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की सेक्शन सी यानी कि खंडवा का। मैंने आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करके सारा बता दिया है और आपको मैं ये सारे क्वेश्चन एक एक बार करके ज़रूर बता देंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है वो आपको मैं वीडियो अलग से बना करके डाल देंगे और आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी में आपका आ गया। सेक्शन सी है खंडशा नोट अटेम्प्ट ओनली टू क्वेश्चंस, यानी अटेम्प्ट आपको केवल दो क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। इसमें आपका क्रिया की क्रिटिकली एग्जामिनी द रिलेशन बिटवीन इक्वलिटी एंड लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता और समानता के मध्य संबंध का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ग्यारहवा नंबर आपका डिस्क्राइब द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख सफलता व विफलता के स्रोतों का उल्लेख करें। फिर बारहवा क्वेश्चन आपका था कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट द पब्लिक वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समझाइए। तेरहवा नंबर आपका था कि एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ यूनिटरी फ्रॉम गवर्नमेंट, एकात्मक शासन के गुणों दोषों का की व्याख्या कीजिए। तो ये आपके चार क्वेश्चंस मैं आपको अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहें। तो इसी के साथ अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होंगे और अगली वीडियो में आपको मैं सोशियोलॉजी की पेपर अपडेट कराएंगे। इसी के साथ